हेलो दोस्तों, मैं रोहित बेनीवाल, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाइयों, मैंने काफ़ी दिन से कॉग्निजेंट की कोई भी अपडेट नहीं दिया आपको, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा या जो भी चीज़ें हैं। तो आज की ये वीडियो कॉग्निजेंट से ही रिलेटेड होने वाली है। भाई, कंपनी की साइड से हमारे लिए एक हैम्पर आया था, तो थोड़े दिन पहले गया था, बट मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आपको वही दिखाऊँगा कि क्या है, क्या सीन है, क्यों आया है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको एक बार मैं ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ, ठीक है भाई। हैम्पर है और ये क्यों आता है, कब आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत दिन बाद अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। वैसे तो मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन अब मेरा प्लान है कि भाई मैं कंटिन्यू रखूँगा इस चैनल को भी और अपना जो गाड़ी वाला चैनल है उसको भी। तो आप दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं रूम में, बेड पर रख के आपको सीधा सीधा दिखाता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या सामान है। सो दोस्तों, 3, 2, 1। तो गाइज, कुछ ऐसी इसकी पैकिंग है। ये हैप्पी लो का बॉक्स है भाई, हैप्पी लो एक कंपनी है, वो ये सब चीज़ें भेजती है, ठीक है। तो भाई इसको ओपन करते हैं, काफ़ी अच्छा सा बॉक्स है और भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। पिछली बार जो आया था, लास्ट ईयर जो आया था, उसमें इतना कुछ नहीं था, बट इस बार काफ़ी है। तो भाई सबसे पहले हैं पम्पकिन सीड्स, पिस्ता, डार्क चॉकलेट, बादाम, क्रैनबेरीज, वेफर्स। मुझे लग रहा है एक दो चीज़ मम्मी ने इसमें से पहले ही निकाल ली है, ठीक है। और भाई ये है एनर्जी बार, ये भी, ये क्या है, ये है चॉकलेट, एक और एनर्जी बार है शायद, और एक और एनर्जी बार है, और एक है अपना न्यूटेला, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, अब आप देख सकते हो। तो भाई इसका जो ऊपर की जो पैकिंग थी उस पर लिखा हुआ था इसका प्राइस वगैरह, तो अराउंड 2-3 हज़ार का ही टोटल सामान है सारा। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल देता हूँ कि ये क्यों आया है, क्या सीन है इसका, जो भी है बता देता हूँ। तो भाई कॉग्निजेंट हर साल, मतलब साल के एंड में, या तो आप टीम के साथ आउटिंग पर जा सकते हो, वो आपको एक ऑप्शन मिलता है, और अगर आपकी टीम अवेलेबल है, जो भी है, मतलब आप गेट टुगेदर कर सकते हो, जैसी भी चीज़ होती है भाई, कॉग्निजेंट फंडिंग करता है उसकी, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आप टीम के साथ थोड़ा सा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो अगर आपकी टीम अवेलेबल है। और आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो भाई आप आउटिंग चूज़ कर लो, डिनर वगैरह चूज़ कर लो, या फिर ये जो अपना हैम्पर है आप इसको चूज़ कर लो। और अगर आपकी टीम आपकी लोकेशन पर नहीं है, या आप अटेंड नहीं कर सकते, या जो भी चीज़ है, तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। जैसे कि मेरी टीम यहाँ पर नहीं थी, तो भाई हमारा ऑटोमेटिकली ये हैम्पर आ गया। एंड भाई पिछले साल भी ये आया था, पिछले साल थोड़ा सा अलग था, अब की बार थोड़ा सा अलग है, पिछली बार चीज़ें कम थी, अब की बार ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। एंड भाई ये था तो वैसे न्यू ईयर के टाइम पे आया था, नहीं मतलब न्यू ईयर के टाइम पे आना था, बट ये थोड़ा सा लेट हो गया था। कुछ लोगों के पास होली के टाइम आया, कुछ के पास उससे पहले, मतलब वो टाइम पीरियड में लोकेशन के हिसाब से आता रहता है। तो भाई ये सारी चीज़ थी। तो ऐसा ही जो भी बंदा कॉग्निजेंट में है उसको हर साल मिलेगा, या तो टीम आउटिंग या फिर ये, ठीक है भाई। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करेंगे नहीं, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जो भी नए नए अपडेट्स हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है कॉग्निजेंट में, मुझे लगभग 1.5 साल होने वाला है यहाँ पे, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ऑफिस वगैरह जाने के ब्लॉग बनाया करेंगे अब तो, ठीक है, नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। कोई भी आपको डिटेल जाननी है कॉग्निजेंट से रिलेटेड, या जैसे मैं नोएडा लोकेशन है मेरी, तो आपको नोएडा लोकेशन के आसपास पीजी फ्लैट वगैरह इसकी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी जानकारी चाहिए, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई फर्स्ट टाइम ऑफिस आ रहा है या कोई भी इशू है, वो आप मेरे से पूछ सकते हो। जहाँ तक है, जितनी मुझे नॉलेज होगी, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो दोस्तों, वीडियो करना लाइक, चैनल को ना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, धन्यवाद।